रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही छात्रा के साथ उसके को गाइड प्रोफेसर द्वारा बलात्कार करने की एफआईआर बेलबाग थाने में दर्ज हुई है। किस्मत के बदले छात्रा की किस्मत लूटने वाले आरोपी प्रोफेसर की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस को दिए गए बयान में छात्रा ने प्रोफेसर पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रोफेसर बीते एक साल से उसे परेशान कर रहा है। पुलिस ने बताया कि मूलतः डिंडोरी जिले की रहने वाली छात्रा बेलबाग थाना क्षेत्र के एक मकान में किराए से रहते हुए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही है। उसने अपनी शिकायत में बताया कि उसके को गाइड प्रोफेसर एचओडी केमिस्ट्री एंड फार्मेसी के प्रभारी रवि मिश्र लंबे समय से उस पर बुरी नियत रखते हुए हमेशा अश्लील इशारे करते थे। कुछ दिन पहले प्रोफेसर रवि मिश्र दोपहर में अचानक घर पहुंचे और थीसिस जमा ना करने की धमकी देने लगे। घर में प्रोफेसर ने जबरदस्ती रेप की और धमकाते हुए चले गए। प्रोफेसर रवि मिश्र द्वारा किए गए बलात्कार की जानकारी छात्रा ने अपनी सहेली और एक अन्य प्रोफेसर को बताई तो रवि मिश्र डर गया और माफी मांगते हुए कहा कि मेरी दिमागी हालत खराब है। रवि मिश्र ने रेप करने की बात भी मौके पर स्वीकार की थी। थाना बेलबाग अंतर्गत कल एक अपराध की रिपोर्ट आरडीबीबी की छात्रा द्वारा कराई गई, उसमें बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। उसमें आरोपी आरडीबीबी से संबंधित प्रोफेसर हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस विवेचना कर रही है, कार्रवाई जारी है। अब उसमें विवेचना में देखेंगे जो भी तथ्य आएंगे, जो दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन बाद फिर प्रोफेसर रवि ने जबरदस्ती रेप किया और फिर एक अन्य प्रोफेसर के साथ आकर माफी मांगने लगा। के विरोध करने पर रवि मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। प्रोफेसर रवि पूर्व में छात्रा का लैपटॉप भी तोड़ चुका है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट।